हेलो गाइस, मैं हूं अलीशा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम काइनमास्टर को यूज़ करते हुए वीडियोस के बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि हम काइनमास्टर को यूज़ करते हुए टिकटॉक के वीडियोस के बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ना एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा कपड़ा आता है, ग्रीन कलर्स के भी आते हैं, उसमें मैं उस सबकी लिंक्स दे दूँगी आपको, तो आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप ये लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो ये हम जैसे अगर आप यूट्यूबर्स हो और आपको देखना है कि आपको वीडियोस के बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना और लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आपको आपका काइनमास्टर ओपन करना है, देन 16:9, ओके। देन यहाँ पे आपको मीडिया चूज़ करना है, देन यहाँ पे आपके पास जो जो बैकग्राउंड्स है, मेरे पास पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आपको मैं बता देती हूँ, आप कोई भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैंने ये कर ली हूँ, ओके। देन यहाँ से बैक इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन इसको इक्वल करके राइट, ओके। देन हमें यहाँ पे यहाँ से लेयर्स में सिलेक्ट करके मीडियाज़ में जाना पड़ेगा। देन यहाँ से हमें एक वीडियो चाहिए रहेगी, तो मेरे पास पहले से ही एक वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखी है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है। आपको याद रखना है कि अगर आप यूट्यूब्स के वीडियोस बना रहे हो तो आपके बैकग्राउंड के पीछे एक ग्रीन कलर का क्लॉथ होना, क्लॉथ नहीं बोल सकते, एक बहुत बड़ा कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ओके। तो जनरली ग्रीन ही लेते हैं लोग, तो आप भी कोशिश करना कि ग्रीन लेना, ठीक है। मैंने पहले से कहीं से डाउनलोड किया हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। देन यहाँ राइट क्लिक, देन इसको मैं फुल लेके चली जाती हूँ, ओके। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने ये पूरा एंड तक लेके चले गए। देन हम यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, तो हम यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, ओके। तो आप भी देख लेना, ये तो बस मैं एग्ज़ाम्पल के बता रही हूँ कि आप कर कैसे सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इतने पार्ट डिलीट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस कि मैंने इतना पार्ट डिलीट कर दिया। देन आपको ये जो भी साइज़ में चाहिए तो आप वो साइज़ में कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा क्रोमा की का, ओके। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप गाइस देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड हट चुका है। देन आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके, हाँ, ओके। देन यहाँ से राइट क्लिक, देन आप देखिए, देन आप देख सकते हो गाइस कि वीडियो में ये स्टार्ट हो चुका है, बैकग्राउंड हट चुका है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम कम कर दी, ऑफ कर दी, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा कैसा है, हाफ वीडियो है ना, तो इसलिए आपको वहाँ से उसके हैंड वगैरह कटे हुए दिख रहे होंगे, मतलब वहाँ से कट जा रहे होंगे, है ना। तो जैसे अगर आप पूरा फुल वीडियोस बनाओगे ना 16:9 की, तो आपको वो दिखेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताई थी, तो आप ऐसा कर सकते हो वीडियोस को, ओके। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कमेंट करके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।